गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विजन एकेडमी वेलकम्स यू। माइसेल प्रशांत सर, टुडे वी शैल लर्न अबाउट फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिपीटेड सबट्रैक्शन से किस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट पता करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। 1156, 1156, इसके हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं सारे। प्राइम फैक्टर्स, रिमेम्बर दैट प्राइम, प्राइम मतलब वो नंबर जो किसी से ना कटते हो। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आता भाई, 7 के बाद 11 आता है, फिर 13, 13 के बाद 15 नहीं है, सीधे 17 है, 17 के बाद 19 है। ये जो नंबर है जो किसी से नहीं कटते उनको हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। तो हमको जो नंबर दे रखा होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अगर आपने प्राइम के अलावा कुछ और यूज कर दिया तो गड़बड़ ज्यादा हो जाएगा, पक्का है गलत होना। ठीक है ना, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है इसको। गॉट इट? नाउ लेट गेट स्टार्टेड। ओके, हियर इज द नंबर 1156, 1156 इज गिवन। इज इट डिविजिबल बाय 2 और नॉट? टेल मी। यस, इट इज डिविजिबल बाय 2। नाउ हाउ विल यू फाइंड इट इज डिविजिबल बाय 2? वी शुड चेक द लास्ट नंबर, इफ इट इज इवन और जीरो देन वी शुड डिवाइड इट बाय 2। ओके, नाउ 2 5s are 10, 1 remaining, 1 and 5 15, 2 7s are 14, अगेन 1 remaining, 1 and 6 16, 2 8s are 16, इज इट करेक्ट? हमको 2 से इसको डिवाइड करना है तो कोशेंट ही आएगा, क्लियर? अब फिर देखते हैं, लास्ट नंबर 8 है, इवन है तो 2 से कटेगा, तो 2 से फिर काटेंगे इसको। 2 2s are 4, 1 बचा 17 हुआ, 2 8s are 16, फिर 1 बचा 18 हुआ, 2 9s are 18, अब ये कट गया 2 से। ठीक है ना, अब किससे कटेगा? लास्ट नंबर 9 है, 2 से तो नहीं कट रहा, 2 के बाद बोलो बोलो 3, 3 से कटेगा, 3 के लिए क्या करते हैं, नंबर को सम करके देखते हैं। 2 और 8 10 और 9 19, 19 3 की टेबल में नहीं आता है तो ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है ना, ये डिविजिबिलिटी रूल्स आपने क्लास 6 में जरूर सीखे होंगे। ठीक है ना, वही हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 के बाद 3 आता है, 3 के लिए हम सम करके देखते हैं, सम 3 से नहीं कट रहा है, एडमिन से 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद क्या आता है, 5, 5 के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, 5 होना चाहिए, यहाँ लास्ट में 0 और 5 भी नहीं है। 5 के बाद क्या, 7, 7 से हम चेक कर लेते हैं, 7 4 28, 7 से भी नहीं कट रहा है। 7 के बाद 11 से नहीं कट रहा है, 11 के बाद 13 से नहीं कट रहा है। अब भाई किससे कटेगा ये सोचो, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि वो टेबल याद कर लेना जिसमें बताते हैं, या मतलब याद प्राइम नंबर्स के सारे आपको फैक्टर्स या जो है स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए थे। तो 13 से भी नहीं आ रहा है, 13 से 169 होगा, 13 का 13 से भी नहीं है, 13 के बाद क्या आएगा, 17, 17 का होता है ये स्क्वायर, है ना? ठीक है, 17 का ही होता है, 17, 17 जा, ठीक है, 17 बन जा, 17 बचा कितना, 11, 119, 17, 7 जा, 119, ये 17 से कटा जाते हैं, फिर 17 से काटेंगे, 17 बन जा। अब क्या करना है, 1156 हमको चाहिए इसका स्क्वायर रूट।
ठीक है ना, इसको स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे और यहाँ भी हम ये सिंबल बनाएंगे। और इसके फैक्टर्स क्या है, 2, 2, 17, 2, 2, 17 एंड 17, ये इसके फैक्टर्स मिले हैं। अब क्या करना है हमको, पेयरिंग करनी है। क्या करना है, पेयरिंग करनी है, 2, 2 के पेयर्स बनाने हैं। तो 2 का पेयर एक ही हो गया, 2 का पेयर एक ही हो गया, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब क्या करना है कि किसका पेयर है, मैं ये बताना है, ये पेयर 2 का है और ये पेयर 17 का है, ठीक है ना। अब क्या करना है, जब पेयर ने निकाल लिया बाहर, यानी 2 का बंद कर दिया है, 2 का एक लिखना है, 2 का एक लिखना है, और ये सिंबल जो है स्क्वायर रूट का ये हट जाएगा, 17 2 आ गया, दैट इज 34। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट को पता करते हैं। तो फर्स्ट यू शुड लर्न एटलीस्ट प्राइम फैक्टर्स, स्क्वायर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अप टू 50, यानी 50 तक जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर जो किसी से नहीं कटते, उनका आपको पता करना पड़ेगा कि स्क्वायर कितना होता है। जैसे 289 था, यहाँ आप पटक जाते अगर आपको नहीं पता होता, ठीक है ना। तो हमें इन सब का पता रखना चाहिए पहले से, किसका स्क्वायर क्या होता है, इज दैट क्लियर। चलिए एक और ले लेता हूं यहाँ पर एग्जाम्पल, किसका निकालू, 9025 ले लेता हूँ। चलिए जी वाला पोर्शन है आपका, ये जी वाला पार्ट है 9025, तो चलिए निकाल के देखते हैं यहाँ पर 9025। लास्ट में तो 5 है, तो जाहिर सी बात है 2 से तो नहीं कटने वाला, 3 से चेक कर लेते हैं, 9 2 11 सॉरी 5 2 7 7 और 9 16, 3 के टेबल नहीं आता है, इसलिए से 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे इसको। 5 बचा 5, 4 बचा 40 हुआ, 5 8 जा 40। अब एक साथ दो नंबर ले रहे हैं तो 0 लगाएंगे, 5 5 जा 25। कई बच्चे बहुत गलत कर देते हैं यहाँ पे, इस तरह गलती कर देते हैं कि 5 8 जा 40 हो गया, 5 5 25, ये 0 नहीं लगाते। जब भी हम जो दो नंबर लेते हैं तो एक 0 आता है, ठीक है ना। 3 लेंगे, एक साथ 3 नंबर लेते हैं तो 2 0 बीच में आएंगे, ठीक है, वो डिवीजन में आपको ने सीखा ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में 5 है, फिर ये 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 3 बचा 30, 5 6 जा 30 एंड 5 बन जा 5। अब 361 किसका होता भाई, फंस गए यहां भी। अब फिर चेक करो इसको, ये भी किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर ही है, अगर आपको याद हो तो बताओ, नहीं याद हो रहा है, एक बार क्या करना है, कॉपी पीछे खोल के देखना है, और जो आपको सिखाए थे एटलीस्ट मैंने कहा था 50 तक लिख लेना, नहीं लिखा हो तो कोई बात नहीं, अब लिख लीजिएगा 1 से लेके 50 तक के सारे प्राइम नंबर्स और उनका स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 19 से ही कटेगा, 19 19 जा ही होता है, तो यहाँ 19 ले लेंगे और यहाँ भी 19 ले लेंगे और 19 ये 1 जा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 9025 इसका जो स्क्वायर रूट होगा, इसके लिए क्या करना है, इन नंबर्स को यहाँ लिखना है 5 5 और अगला है 19 एंड 19, दो पेयर बन जाएंगे यहाँ पर, एक 5 का बन रहा है और एक 19 का बन रहा है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे ये पेयर 5 का है और ये 19 का है, जैसे ही सिंगल पेयर करते हैं, डबल का सिंगल कर देते हैं तो स्क्वायर रूट का सिंबल हट जाता है, और सिंगल नंबर लिखेंगे 19 5 जा 95, इज दैट क्लियर। इस तरह से भी इसको हम निकाल लेते हैं, समझ में आ गया। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाकी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं, आपको सिर्फ यही करना है फैक्टर निकालने हैं, इन फैक्टर्स को इस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर रखना है, दो दो के पेयर बनाने, उनका जब पेयर बाहर निकल के आएगा तो सिंगल सिंगल रह जाएगा, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा,
ठीक है ना, इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बचे हुए पार्ट्स आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, थैंक यू।